राजस्थान के बारा छिपाब डूद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजनावर के गांव भगवानपुरा में बारिश के दौरान गांव की सड़क पूर्ण रूप से कराई कट गई है, जिसके कारण गांव के लोगों को आवाजाही के दौरान करना पड़ रहा है भारी समस्याओं का सामना। गांव के पिंकेश जारवाल महेंद्र मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान समय में हुई तेज मूसलाधार बारिश के चलते गांव भगवानपुरा में पश्चिम दिशा की ओर से बीच गांव में होकर बह रहे खाल की कराई टूट जाने के कारण पास में होकर निकल रही सड़क भी इसकी चपेट में आ गई है, जिसके चलते सड़क की कट कर खाल में बह गई और इस सड़क से कई ग्राम पंचायतों के दर्जनों गांव के लोगों का इस सड़क से आवागमन होता है। ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस सड़क से होकर गुजरना, जबकि इस सड़क की समस्याओं को लेकर पूर्व में 12 जिले में मुख्यमंत्री के आवागमन के दौरान जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सूर्य, आप देख रहे हैं मेरे साथ दीवी भारती न्यूज। आज हमें ग्राम पंचायत अजनावर के गांव भगवानपुरा में, यहां पर बरसात के समय से गांव में एक सबसे बड़ी विकट समस्या बनी हुई है कि यहां पे पश्चिम दिशा से एक जो खाल है वो गांव के बीचों बाज होकर के निकल रहा है, जिसके कारण चराई जिसे बोलते हैं ये पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कट करके इसमें बरसात के समय में बह चुकी है और यहाँ पर रोजाना आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाओं का अंदेशा लगा रहता है। इसके कारण ग्रामवासियों ने अपना रास्ता भी चेंज कर लिया है। गांव वालों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर कई प्रकार की दुर्घटनाएँ होने का संभावना है। ये एक खेती किसानी का गांव है, यहाँ से लोगों का रात दिन 24 घंटा इस रोड से आना जाना लगा रहता है। साथ ही इस रोड से सैकड़ों गांव के लोग यहाँ होकर के दर्जनों गांव के लोग यहाँ होकर निकलते हैं। यहाँ से कई गांव लगे हुए हैं, यहाँ से छिपा बड़ोद लसन मंडी में जाते हैं, अनाज मंडी में भी जाते हैं, यहाँ से छबड़ा तक लोग पहुँच रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।